पा रहे होंगे। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टीचर्स और काफी सारे टीचर्स बोलते हैं प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, डायरेक्टली इंडायरेक्टली फिर वो रटने वाली बात हो जाती है। और मैं आपको फैक्ट बताऊं, जब मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा था वहां पे एल्गोरिथम सब्जेक्ट मैंने लिया था, एल्गोरिथम में वो प्रोफेसर क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया भाई आईआईटीज में आपकी लाइफ नाइटमेयर बन जाएगी अगर आपने प्रूफ ढंग से नहीं पढ़े चीजों के। तो वहां पे जाते ही वो सीधा बोलेंगे भाई प्रूफ करो, हर एक बात को प्रूफ करो, कोई कोई बात बोलेंगे उसका प्रॉपर प्रूफ देने बैठ जाएंगे। क्वेश्चन देते थे, असाइनमेंट देते थे हम लोगों को, असाइनमेंट में प्रूफ दैट दिस, प्रूफ दैट दिस, हर एक क्वेश्चन में प्रूफ 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 घुसा हुआ था। और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरते थे जब असाइनमेंट देते थे, स्टूडेंट्स हर बात हिंट मांगते थे टीचर से कि सर हिंट देना इसमें कैसे करना है, सर हिंट देना इसमें कैसे करना है। तो टीचर प्रोफेसर प्रॉपरली बोलते थे कि भाई आप प्रूफ से डरते क्यों इतना ज्यादा, आप प्रूफ किए बिना आप गेट पास करके कैसे आ गए। तो बच्चे स्पीचलेस होते थे, उनको पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रोफेसर को भी पता है, हार्डकोर फैक्ट है भाई, कोचिंग के सारे प्रोडक्ट्स हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स टॉप 100 जितने भी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी के सभी कोचिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं। और कोचिंग वाले क्या करते हैं भाई, नहीं बताएंगे प्रूफ, वो कहेंगे प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, बच्चा रट रट के आगे बढ़ गया लेकिन जब घुसा आईआईटी में वहां पर लाइफ नाइटमेयर है। समझ पा रहे हो, प्रोफेसर प्रॉपरली बोलते थे और लगभग लगभग हर क्लास में प्रोफेसर बोलते थे कि आप लोगों को प्रूफ से डर क्यों लगता है हमें समझ नहीं आ रही है बात, आप लोगों को प्रूफ से डर क्यों लगता है हमें समझ नहीं आ रही है बात, हर बार ये बात बोलते रहते थे वो लोग, है ना। बच्चे चुपचाप बैठ रहते थे, उनको पता था हम बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे कि हम कोचिंग से रट के आए हैं, सारा कुछ एल्गोरिथम से पूरा रट के आए हुए हैं। समझ पा रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है भाई प्लीज। इसलिए मैं कहता हूँ चीजें आपको आनी चाहिए, प्रॉपर वे से स्टडी करो, शॉर्टकट्स मत अपनाओ, लाइफ में शॉर्टकट्स काम नहीं आने वाले आप लोगों के, ठीक है। जो काम आएगी वो नॉलेज काम आएगी, ये सब बिना प्रूफ की चीजें कर लोगे शायद गेट पास कर भी जाओगे, चांसेस कम है बट शायद आप पास कर भी जाओगे, लेकिन बाद में फिर आईआईटी में घुसने के बाद आपकी जिंदगी बड़ी बेकार हो जाएगी, आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके चलो ठीक है जी, हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है। मैंने एक बार एच सी वर्मा सर का इंटरव्यू देखा था, एच सी वर्मा सर आपको पता होगा फिजिक्स के बहुत बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और बुक भी है, आई थिंक सबको पता हो गया ना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं उनको, आईआईटी कानपुर में वो प्रोफेसर थे। तो वो बताते थे कि हमें प्रोफेसर्स को इस बात से डर नहीं लगता कि बच्चा आईआईटी में पहुंच गया, इस बात से ज्यादा डर लगता है कि अगर बच्चा बिना पढ़े पहुंच गया तो, है ना, कोचिंग से पढ़ लिया चीजें रट ली और गलती से आईआईटी में चला गया तो भाई उसकी जिंदगी बर्बाद है वहां पे, है ना। प्रोफेसर्स भी, प्रोफेसर्स का भी सिर में दर्द हो जाता है कि इस बच्चे को पास कैसे करें हम लोग, है ना, क्योंकि उन पे भी बहुत प्रेशर होता है, उनको लगता है कि भाई ऐसे हमारा रिजल्ट भी खराब होगा, है ना, तो पास करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं हमारी लाइफ बहुत बेकार हो जाती थी वहां पे जब हम ऐसे बच्चों को देखते थे जो चल ही नहीं पा रहे, है ना, उनको चलना ही नहीं आ रहा। अब क्या है भाई, कोचिंग वाले ने तो आपको हाथ पकड़ के सब कुछ चलवा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब आईआईटी में घुसे वहां तो हाथ क्या सब कुछ छोड़ देंगे, बोलेंगे चलो अपने आप चलो, जैसे बच्चा है आप, छोटा बेबी है 1-1.5 साल का है, आप उसको उंगली पकड़ के चलवा रहे हैं ना, ऐसे ही आप 1-1.5 साल के बच्चे हैं, आईटी में चले गए तो प्रोफेसर आपको छोड़ देंगे बिल्कुल फ्री, चलो आओ मेरे पास आओ, चल के आओ, चला ही नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्लीज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो और जितना हो सके चीजों को करने की कोशिश करो, डीप में जाने की कोशिश करो, बिना डीप में गए गेट नहीं होगा, मैं आपको लिख के देता हूं ये बात। बहुत गलत फहमियां होती है बच्चों के दिमाग में, ऊपर ऊपर से पढ़ के सब कुछ हो जाएगा, नहीं बात बनेगी भी, डीप में जब तक नहीं जाओगे बात नहीं बनेगी, प्लीज इतना समझ लो अच्छे से। तो जाना पड़ेगा भाई, बाय हुक और बाय क्रूक जाना पड़ेगा।